हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मनप्रीत कौर। नेक्स्ट हमने टॉपिक देखा, हमने मर्चेंट बैंकिंग की डेफिनेशन, उसका मीनिंग हमने सबको दे दिया, कमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंस एंड ऑल दैट। अब नेक्स्ट टॉपिक से हमारा फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, हमारा फर्स्ट फंक्शन आता है रेजिंग फाइनेंस फॉर क्लाइंट्स। कि मर्चेंट बैंकिंग हमने क्या पढ़ा था, मर्चेंट बैंकिंग क्या है, एक सपोर्ट देता है हमारे बिजनेस को, हमें एक हायर करना पड़ता है, एक सपोर्ट देता है हमारे बिजनेस को, उसमें वो फाइनेंस कैसे रेज करता है। अगर मेरा आज कोई बिजनेस है, मैंने मर्चेंट बैंकिंग की सर्विस ली है, तो मुझे एक्चुअल में क्यों लेनी है फाइनेंस रेज करने के लिए। तो वो क्या कह रहा है, टू रेज द फाइनेंस। फाइनेंस कहां से लेंगे हम, थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स। हम मार्केट में शेयर्स इश्यू कर देंगे, आईपीओ आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या आते हैं हमारे, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये न्यू कंपनीज के लिए होते हैं, इसके लिए न्यू कंपनीज के लिए अपने शेयर्स इशू कर देंगे, उससे हमारा फाइनेंस क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। नेक्स्ट है हम डिबेंचर्स इशू कर देंगे, पब्लिक हमारे डिबेंचर्स लेगी, हमारे पास क्या आएगा उसके लिए, उसका पेमेंट आएगा। जितने भी हमारे कॉल्स होते हैं, जैसे शेयर में फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल हमने पढ़ा था, थर्ड कॉल, लास्ट कॉल, ये सारे कॉल्स होते हैं, इस तरीके से हम उनसे पेमेंट लेते हैं। हमने फॉरफिटेड भी पढ़ा था, री इशू भी पढ़ा था इलेक्ट्रोवेल्थ में। अगर इसके बारे में डिटेल चाहिए आप मुझे कमेंट करना, मैं वो भी बता दूंगी क्या है, अगर किसी को कोई भूल भी जाए तो। ये शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बैंक लोन, हम बैंक से जनरली लोन ले लेते हैं, उसमें हम इंटरेस्ट पे करते हैं। अब कोई कहेगा मैम इंटरेस्ट तो हम पे कर रहे हैं, लेकिन हम किसी और के बिजनेस के लिए कर रहे हैं। मेरा मर्चेंट बैंकिंग का मैं सर्विस दे रही हूँ, मैं किसी और के बिजनेस के लिए कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इंटरेस्ट पे करूंगी, ऑफकोर्स मैं करूंगी। मान लो मैंने 6% इंटरेस्ट पे करा और मुझसे 8% लूंगी, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो मेरी इनकम हो जाएगी। बैंक भी तो एक्चुअली में यही कर रहा है। या तो मैं उसको कहूंगी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू बैंक करो, डायरेक्ट बैंक से बात करो फॉर द लोन्स। मैं उसको सजेस्ट कर दूंगी टेक अ लोन, और मैं उसको एक कोई वो बता दूंगी, कोई क्लाइंट या कुछ भी बैंक का जो भी लोन देता है, जो भी लोन पास करता है एक्चुअल में, उसकी हेल्प से बता दूंगी। तो मेरा ये काम फिर हट जाएगा, ये डिसमिस कर, ये हट जाएगा बिल्कुल इंटरेस्ट पे वाला। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेजिंग फाइनेंस फॉर क्लाइंट्स में, इट हेल्प इट्स क्लाइंट फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में। अगर आप किसको हेल्प करते हैं, क्लाइंट्स को किससे रेज करने के लिए, फर्स्ट डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट से। और नेक्स्ट पॉइंट है दिस फाइनेंस इज यूज फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस और प्रोजेक्ट। जनरली हम मर्चेंट बैंकिंग यूज इसलिए करते हैं कि हमें हेल्प मिले, हमें आइडियाज मिले एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक यही है हमारा थर्ड या फोर्थ पॉइंट, एक्सपेंशन या मॉडर्नाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये हेल्प करता है क्लाइंट्स को किसमें, फॉर अ न्यू बिजनेस और रेस फाइनेंस करने में। फ्रॉम शेयर्स पढ़ चुके थे हम, डिबेंचर्स पढ़ चुके थे, बैंक लोन बता चुकी थी बैंक से लोन लेने में। और हमारा नेक्स्ट है इट हेल्प क्लाइंट्स फ्रॉम रेस फाइनेंस फ्रॉम डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड पॉइंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या कहते हैं, हम प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट है हमें, हम उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसका। तो उसमें हम करते हैं फाइंडिंग द सोर्स ऑफ मैनेज, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि फाइनेंस हम कहाँ से लें, ओनर्स फंड लें या बोरोड फंड। बोरोड फंड में हमारे डिबेंचर्स आ जाते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, क्या आ जाते हैं इसमें, डिबेंचर्स। और जो हमारे शेयर्स होते हैं, शेयर्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स जो ओनर्स फंड होते हैं। मेरा बिजनेस है, मैं ही पैसा लगा रही हूँ, मेरा ही फंड है, इक्विटी शेयर्स उसको कहते हैं, आई एम द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। दैट इज इक्विटी शेयर। और हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो हम बाहर से इशू करते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं हमारे, या तो ओनर्स फंड हम ले लें, अपना ही फंड लगा दें, लेकिन इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। अगर प्रॉफिट हुआ और हमें सबकी पेमेंट लास्ट में मिलती है, मतलब हम सबके पहले डिबेंचर्स को दो, प्रेफरेंस शेयर्स को दो। प्रेफरेंस शेयर्स में भी टाइप्स होते हैं, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, उन सबको पेमेंट करो पहले, फिर हमें मिलता है। थोड़ा रिस्की होता है बट मोर प्रॉफिट होता है, हमें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे एक साल में मिले चाहे दो साल में मिले, बट हमें हाई रिस्क पे हाई प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है हमारा बोरोड फंड, बाहर से ले रहे हैं हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, हम डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स को हम बाहर से ले रहे हैं, बोरोड फंड है, हमें इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फाइंडिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है हमारा
मर्चेंट बैंकर्स हेल्प क्लाइंट इन मेनी वेज, कैसे करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइज करता है, मर्चेंट बैंकर्स हेल्प क्लाइंट इन मेनी वेज, कैसे कैसे हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग करने में प्रोजेक्ट की, कोई हमें सेल की एडवर्टाइजिंग नहीं करनी, इसमें प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजिंग करता है किसको, क्लाइंट्स को जो उसमें इंटरेस्टेड होता है, जो अपना फंड रेज करते हैं फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, अगर हम बिजनेस डील में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अबाउट द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, हमें एक्चुअली में प्रोजेक्ट करना क्या है, इन द फील्ड है, आउट द फील्ड है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो लोकेशन बताता है प्रोजेक्ट की, हमें कैसे रेज करना है फाइनेंस, मतलब सबको डिस्कस करके प्रोजेक्ट होता है। प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। नॉर्मली आप एग्जाम्पल ले लो, हम फाइल बनाते थे, हम उसमें सबसे पहले लिखते थे अपना पूरा इंट्रोडक्शन नेम एंड ऑल दैट, फिर हम उसके ऊपर मेंशन करते थे स्कूल का नेम, स्कूल का लोगो एंड ऑल दैट। तो वो ये प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हम एक स्कूल की टॉपिक की रिपोर्ट बनाते थे, किसी भी टॉपिक, जैसे हमने 12th में बनाई प्लानिंग की, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग है क्या, ठीक है, तो वो है। ऐसे हम किसी भी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाएंगे, एक्चुअली में उसमें भी सब कुछ हम मेंशन करेंगे कि प्रोजेक्ट किसके लिए है, किसको बेनिफिट करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है, तो सब कुछ हमारे किसमें डिस्कस होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, किसी को भी शो करनी है, हम बताने थोड़ी बैठेंगे, तो वो चीज है। हमारा थर्ड पॉइंट है मेक अ प्लान फॉर फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट, फाइंडिंग आउट द मेक अ प्लान फॉर फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट। हमने अभी पढ़ लिया था कि हम फाइनेंस में क्या क्या रेस कर सकते हैं, कैसे कैसे रेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हम प्लान करेंगे फॉर फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट, फाइंडिंग आउट द सोर्स ऑफ फाइनेंस। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ सोर्सेस क्या होते हैं हमारे फाइनेंस के। एडवर्टाइजिंग अबाउट कंसेशन एंड इंसेंटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि हमें क्या क्या कंसेशन मिलेंगे, क्या क्या हमें क्या मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेंगे। जैसे हमें किसी चीज में हमारा जैसे कोई प्रोजेक्ट है उसका टर्नओवर समथिंग 5 लाख से ऊपर है, तो हमें इसमें क्या कंसेशन मिलेगा, क्या हमें इंसेंटिव मिलेंगे। अगर हमारा प्रोजेक्ट अच्छा होता है फॉर द कंपनीज, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई कंसेशन, या तो वो सबको डिस्कस करके हम अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। इसी को हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।